हाय एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज सोलर एक्लिप्स है, ऊपर से आज फुल मून या न्यू मून कुछ है। एंड सुबह से फास्टिंग रखी है क्योंकि 12 बजे के बाद ही खाना बनाना होगा, फिर खाना होगा। एंड आज घर में भाई एंड भाई की वाइफ ही आ रहे हैं। एंड ये कल मैंने धोले थे, सूख गया था। ब्लैंकेट कवर है ये, और फिर इसको मेरे को डालने नहीं आते, ब्लैंकेट कवर कवर करने नहीं आते, तो पाई ने कर दिया ये। अभी बाहर मैंने सबको बिठा दिया है कामकाज पे, ढेर सारे सब्जियां वगैरह साफ सफाई में। चलिए दिखाती हूँ। पापा को भी बिठा दिया, बोतल गोट का जो लिप्स वगैरह है वो साफ सफाई के लिए, और पाई को बिठा दिया। कल जो मैं सब्जी लाई थी ना खेत से तोड़कर, लीफी वेजी, वो जिसको हम लोग को वो बोलते हैं डालो पुष्कुरिया। और फिर पापा लहसुन वगैरह भी छीलेंगे क्योंकि पकवान बनने वाला है, क्योंकि घर में लोग आ रहे हैं, घर वाले, घर के ही मेम्बर आ रहे हैं, लेकिन बहुत दिनों बाद आ रहे हैं। कम दाम खाइए लोग आने वाला है, तो बेडशीट वगैरह साफ सफाई करके अभी धोला हुआ बेडशीट सारा बिछा दिया। फिर भी कुछ कुछ पिलो कवर अभी धोना बाकी है, अभी घर की डस्टिंग क्लीनिंग ख़त्म, थोड़ा और बाकी है। तीन बार पोछा लगाती हूँ एक ही बारी में, क्योंकि नया घर है तो थोड़ा सा डस्ट वगैरह लग ही जाता है। ये देखिए किचन भी हो गया, सारे रूम हो चुका अभी इस हॉल रूम का, और एक बार पोछा लगानी है। आज फिर से दरवाज़ा खोल के ले गया, अभी मैंने पोछा लगाया, अभी ना आ जाए दरवाज़ा लगाने के लिए सूखने से पहले, है ना। इतना इन लोगों का वेट करते तो मेरा खाना बनाना होता ही नहीं, क्योंकि ऐसे सोलर एक्लिप्स के बाद ना ऐसे घर की साफ़ सफाई, पूजा रूम की साफ़ सफाई करके फिर जाके नहा के खाना बनानी पड़ती है। नहीं फिक्स करेंगे अभी, शायद शाम को करें तो अच्छा है। आज गेस्ट रूम है। पापा की टीवी, और पापा हो गए यहाँ पे शिफ्ट। पहले पापा को शिफ्ट कराए यहाँ पे सुबह सुबह उठकर। ये पापा के रूम हो गए आज के लिए, कल के लिए, कल परसों तक के लिए। भैया लोग दरवाजे फिक्स कर रहे हैं, अभी थोड़ा हम पन्ना बना देते हैं उन लोगों को। Thank you.
अभी फिर से झाड़ू पोछा, ऊपर से बाहर से इतना हवा बह रहा है, ये घर के अंदर चला रहा है, मतलब ये एक युद्ध है। युद्ध युद्ध से चल, युद्ध से चली तो बाबू माँ ना बाबा, युद्ध चली तो नहीं सारी पसीने में पूरे भीग गए। बाहर कितना धूप है देखिए, और किचन में काम करते हुए ना पसीना पसीना हो जाते हैं। अभी नहाने जाऊंगी, पूजा रूम की साफ सफाई हो चुकी है, खाना बन चुका है। ये बना है आज बॉटल गर्ड वेन एंड वो जो लिप्स ना, एंड फ्राई किया है वो फर्मेंटेड फिश के साथ, और ये पोर्क बना है, और यहाँ पे राइस, लेफ्ट ओवर राइस ऊपर रख दिया मैंने, और यहाँ पे गुदोक, ये बनाना फ्लावर, पोटैटो एंड पोर्क गुदोक विथ फर्मेंटेड फिश, ऑनियन एंड ग्रीन चिल्ली, गुदोक में तो ग्रीन चिल्ली लगता ही है, और ये है टमाटर एंड क्या बोलते हैं उसको, ड्राम स्टिक एंड मसूर दाल तड़का। इतना ही बना है, फिर भी लगा जैसे बहुत सारा खाना बना लिया मैंने, है ना। गर्मी के कारण ऐसा होता है, ऊपर से घर की दो बार क्लीनिंग करनी पड़ी ना, ऐसे किचन दोबारा से क्लीनिंग करनी पड़ी, डस्टिंग करनी पड़ी, और हॉल रूम, बेडरूम का तो नहीं करना पड़ा, एक ही बार में हो चुका, लेकिन हॉल रूम एंड किचन दोबारा से साफ़ सफ़ाई करनी पड़ी। अभी पसीना पसीना हो गई हूँ, पूजा रूम की भी साफ़ सफ़ाई हो चुकी है, देखिए। अब मैं जाती हूँ नहाने, नहा के गंगा जल से पूरा शुद्धिकरण करनी है, और फिर खाने तो शुद्धिकरण करने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ग्रहण के बाद ही खाना बनाया गया है। अभी सूर्यदेव को जल चढ़ाने हैं, और फिर पूजा रूम की तो हो गई, अभी गंगा जल छिड़कना बाकी है, और सूर्य देवता जी को पानी चढ़ाने बाकी, नहलाने। देखिए ऐसे ना पहले पान का खपा सातों तुम सुखा ओ माता का नौ विशेष सातों का फैशू। धूप निकलती है जहाँ से, सूरज मामा को देखिए, ओ बाप रे इतना तेजी, ये देखिए तो मुर्गा, इसको हलाल किया जाएगा, मैं तो नहीं खाऊंगी ऐसे, इसको खाना पीना देंगे, फिर इसको हलाल करेंगे, फिर मैं खुद खा लूँगी, ये नहीं होगा भाई। धूप लगे हैं लोगों को, चेयर दे देती हूँ, दौड़ दौड़, हाँ अभी छाव में रहेंगे। को आधा आधा बोल ना ना चारे ये चारे ओए ताकि दे आधा सारे पानी लेकर आती हूँ, तुरंत यहाँ ना, ये गर्म हो गया। पास रह कर बैठी दूरी माँ जरा बाबू हिरे तेंग तुई खार में शिशांग बसू।